उसको अंदर जाना है। अबा नहीं वो टूट जाएगा। अबा पैर नीचे ले लो, नीचे ले लो पैर। अबा नहीं, अबा नहीं, 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 नहीं। आ जाओ, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। राम राम सीताराम सबको, कैसे हो आप सब लोग अभी यहाँ पे। ओम का रोड था वो डेंजर में था क्योंकि आपा यहाँ पे थी, है ना। अभी अभी ओम ने सीधा उठ के ये काम स्टार्ट कर दिया। आपा कैमरा गिरा हो क्या? हाँ हाँ, उसको तुम्हारी साइकिल गिरा नहीं हो क्यों? वो खाने की चीज है क्या? आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ मेरा बेबी ओम आ जाए। मुझे लगा है कि उसको अंदर जाना है बस में। वो बोल रहे मुझे वो बस खेलने के लिए दे दो, दे दो। बस अब बंद करो इसको, बंद करो। अब क्या करेगी? छुपा दो, अपने टमी के पास रख दो, देखते क्या करती है। हाँ देखना, तुम टच मत करना, ठीक है। हाँ आबा, उसको स्मेल आ रहा है बस का। हाँ। आजा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सेंड है। अभी यहाँ पे देखेगी, घर देखेगी कितने, वो सब कुछ खाने की चीजें नहीं होती है जो यहाँ पे होती है। वो आबा वो उनके टॉयज है, तुमको खेलना है तो खेलो, वो सब कुछ चेक करेगी कि क्या यहाँ पे चेंज हुआ है। सब कुछ वही है जो तुम लास्ट टाइम आई थी वही, ठीक है। उसको मस्ती करनी। अब जाओ आप, जाओ आप, जाना है तो। अब तुम बड़ी होती जा रही हो, ठीक है। अभी दो तीन महीने में और भी बड़ी हो जाओगी, फिर भी हमारे घर में अंदर आओगी। हाँ आ सकती हो तुम, लेकिन जब वो मीवा के साइज हो जाएगी तब तो वो दो में फिट भी नहीं होगी। फिर वो निकल जाएगी। हम अब आगे जाओ, लेकिन वो फिन को मिच कर लेगी। ओके बाहर जा। ओए वो खा मत जाना, वो टोमेटो उसके प्लांट से, वो खाना मत, वो नहीं खाना। आ रही है, वो 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 सुपर स्पीड में आ गई तुम्हारे पीछे, है ना। अब दौड़ के जाओ। और एक दिन है ना वो रिवर्स में भी आ गई थी। अभी आएगी, आ रही है। अब यहाँ पे आओ, तुम दौड़ के यहाँ पे आओ। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। इसको साइकिल अच्छी लग रही है। अब आपको साइकिल अच्छी लग रही है। लेकिन उसको कुछ डिफरेंट लगवा है वहाँ पे। ओके हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे। है नहीं? वहाँ पे खा रहे था। आज इसको इस साइड में ही रहना है। थोड़ा सा गर्म पानी किया है, इसमें मैं नींबू वाला पानी पीती हूँ कभी कभी। और आजकल मैं अभी तो ये नया वाला लेके आई हूँ, तो एप्पल साइडर विनेगर आता है वो, इसमें दो स्पून जितना ऐड करके। इतना टेस्ट में मुझे तो नहीं अच्छा लगता पर्सनली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैं सुबह सुबह खाली पेट ये ट्राई कर रही हूँ। तो अभी ओम ने फाइनली ब्रश कर लिया है, अभी ओम की एग्जाम स्टार्ट होगी। लेकिन अराउंड नहीं, अभी नहीं, अराउंड 12 बजे। तो इसमें मैंने अभी हम बना रहे, कितने अभी 10 से 2 घंटे बाकी है, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें ऐड किया है दही, आपको भी मैं क्लोजली दिखाती हूँ। दही है, थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल, सब कुछ इसमें ऐड किया है। हम ट्राई कर रहे हैं पिज्जा बेस। हाँ पिज्जा बेस बनाने की। और अभी इसमें दही, शुगर, नमक एंड थोड़ा सा ऑयल, बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं, बेकिंग पाउडर ज़्यादा ऐड करना होता है। इसमें अब ओके वो साइलेंट होता है। इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया,
अभी इसमें हम मैदा प्लेन फ्लावर जो होता है वो ऐड करते हैं। नान भी ऐसे ही बनाते हैं, मुझे नान भी ट्राई करनी है कि कैसे बनती है, लेकिन अभी इसका अच्छे से आटा रेडी करना है। सॉफ्ट अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें और पानी भी ऐड कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने देना है। ऊपर ऑयल लगा के इसको हाफ एन आवर के लिए रख देना है, इसको सॉफ्ट रखना है जितना हो सके। ओम के लिए दो बड़े बड़े वो पड़े ढगला, ढगला जो ओम का स्पेशल सॉन्ग है जिसमें एक एग्जाम है और एक अभी पिज्जा बन रहा है, तो दो चीजें हैं। वेट ढगला ढगलो 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 वेट ढगलो ढगलो पिज्जा का ढगलो 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 पिज्जा का ढगलो ढगलो पिज्जा का ढगलो 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 पिज्जा का ढगलो ढगलो ओके ओके। पिज्जा खाने के बाद पिज्जा खाने के बाद किसका ढगला होने वाला है? एग्जाम का ढगलो 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 एग्जाम ना ढगलो एग्जाम ना ढगलो वाह 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 मेरे पास एक डीजी था जाए आई कैन मकूं कर जो डीजी था जाए ओह एग्जाम पास ओके। आज तो तुमको कुछ सीरियस बात बताते हैं, यहां पे आओ। वेरी वेरी सीरियस हम यू नीड टू लिसन दैट ओके। वो क्या था? मुझे पता है था। अच्छा ओ इनो आ जाए मैं नहीं कुछ की पिज़्ज़ा बोल इनो आ जाए। तो अभी यहाँ पे ये पिज़्ज़ा का डो रेडी हो गया है। इसे बोल को आटे में वो करके रोटी जैसा बना के अभी मैं पकाने वाली हूँ। तो अभी ये पिज़्ज़ा बेस हो गया है रेडी। मैंने फोक से थोड़ा सा इसे होल्स कर दिए ताकि ये रोटी के जैसे फूले ना। तो अभी ओम का पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है वन साइड में, तो मैं अभी इसको टर्न कर देती हूँ और अभी इसमें ऊपर सारे टॉपिंग्स ऐड कर देती हूँ। केचप, फिर ओम को अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा चीज़, तो वो चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ओम को ज़्यादा टॉपिंग्स नहीं अच्छे लगते, वरना हम प्याज, कैप्सिकम, ओलिव्स, जलपिनो, स्वीट कॉर्न सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन ओम को ऐसे ही प्लेन वाला पसंद है। ओम का पिज़्ज़ा हो गया ऑलमोस्ट रेडी। इस बार मैंने पिज़्ज़ा स्लाइसेस थी तो वही डाली है, लेकिन प्लेन चीज पिज़्ज़ा रेडी हो गया। हाउ इज दिस पिज़्ज़ा पार्टी? यू एंजॉयिंग? यस। गुड बॉय। रेडी फॉर एग्जाम? यस। ओके, नहा लिया, पिज़्ज़ा भी खा लिया, अब चलो। ओम नमः शिवाय। तो थोड़ा सा था वो बाद में खाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गो, गुड बॉय। All the best. Why do you use a nail cutter? To keep our nails clean, right? Yeah. But to smell first, we use talcum powder to smell first. And to comb our hair, we use a comb. Okay, so जो भी आंसर है जल्दी लिखो, ठीक है? बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग करके लिख रहे हो, अभी जल्दी लिखो, चलो चलो हम इसको साइड में रखो। खत्म। Finally. अभी एग्जाम खत्म हुई है और आज मुझे थोड़ा सा गुस्सा होने पड़ा था, है ना? मुझे थोड़ा सा चिल्लाना पड़ा था, क्यों पड़ा कि ओम जल्दी करो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ठीक है? अब हो गया, अब कल छुट्टी। ये संडे। यस। ये 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 ये। तो ये अभी गेस्ट है, कुछ टाइम पहले आए, अराउंड 12 बजे। राजकुमार जी नाम है इनका, ये ऑल द वे फ्रॉम हरियाणा हमें मिलने आए, डिस्ट्रिक्ट करनाल, स्टेट हरियाणा। और हमारे बहुत बड़े फैन है, बहुत सारे हमारे वीडियोस देखते, तो इन्होंने खाना भी खाया, अच्छा लगा मिलके भी। और अभी एडवांस में मिलने ही आए थे, राखी बंधवा के भी जा रहे हैं एडवांस में। पिछले तकरीबन 8-10 महीने से बिल्कुल ये था कि जैसे भी हो भी रामदेव भाई और भारती बहन से और माँ पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत काफ़ी दिनों से चटपटाहट थी दिल में, और तो मुझे अच्छा आज बहुत खुशी हो रही है, आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, मिलने के बाद, खासकर मम्मा से। वही माँ बेटे वाला माहौल रखा है इन्होंने, सच में बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो कहता हूँ कि भी एक बार जो भी यहाँ जाना बस दोबारा जाने को उसका मन करेगा नहीं। इतना नाइस माहौल, इतना अच्छा माहौल, बहुत बहुत बढ़िया नेचर है, जो सोचा था उससे भी कहीं बहुत हट के, मतलब बहुत
हाई लेवल पे प्रेम प्रेम भाव मिला है। थैंक यू। माँ बाप का आशीर्वाद जो ना कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम दो हैंडशेक ना? वी गो टुगेदर। ओह टुगेदर। ये पिता और पुत्र दोनों का हैंडशेक साथ में। और ये हमारी भारतीय बहन जो अभी शूट कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं तो बहुत 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 शुक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे? आ रहा है पानी तो कितने टाइम के बाद ओम को नहाना है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं इसमें दो में ही पानी भरा है, तीसरे में पानी नहीं भरा जा रहा है क्योंकि हमने बहुत सारे जुगाड़ किए, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूट गया था। मज़ा आ रहा है ओम? मीरा का एंटी का मिल्किंग करके आती हूँ, ठीक है? देखो देखो उन्होंने सुन लिया भाने वहाँ से अपना नाम आते ही सुन के। मज़ा आ रहा है? और कल कल एग्जाम भी नहीं है, कल छुट्टी है, ठीक है? क्या वो ऐसे? ओके ओ ये भी ओ ओके और को भी ओके ओके ओम पानी नो ढगलो 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 पानी नो ढगलो फेल पानी नो ढगलो 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 ओके अब बस। हाँ ओम यहाँ पे नहा रहा है ना, भाई यहाँ पे पानी पीने आ गई है ना जी। पानी आ गई ना? हाँ इन्हें नोज नहीं ऊपर आते मैं ये क्या ये क्या ये देखो यहाँ पे ओ यहाँ पे नहीं आवाज़ आबा नीचे आबा आबा नीचे, इसको अंदर जाना है ओम। आबा नहीं वो टूट जाएगा। आबा पैर नीचे ले लो, नीचे ले लो पैर। आबा नहीं 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 आ जाओ नहीं अंदर नहीं जाना है, ठीक है? इसको जाना ही था, एक पैर ऑलरेडी डाल दिया था ओम के साथ। ओम इसको तुम्हारे साथ आना है मस्ती करने के लिए। ओके मुझे क्या करो, ऐसे ही करती हूँ। एडिटिंग कौन करेगा फिर? हाँ क्या आप करने दो मुझे, क्या मैं यहाँ सिर्फ कैमरा चार्ज में रखने के लिए आई हूँ। तुम बाहर रही होती तो मैं वहाँ पे आ ही रही हूँ। ओके वो टॉयज है ओम के। अभी इवनिंग का टाइम है एंड वहाँ पे दिखी दिखी दिखी। वहाँ पे ओ माय गॉड मीनू चली गई मुझे देख के, यहाँ पे ही थी, यहाँ पे नीचे ही थी। देखो अब ये ऑलमोस्ट सारे पकने वाले। इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको कुछ इसको कोरोना हो गया ऐसा लग रहा है। देखो इसका कुछ दिमाग नहीं चल रहा है कैसे बड़ा होना है वो कुछ। ये पका हुआ लग रहा है, नीचे वाला भी है। अब तो सब पक चुके हैं वैसे तो, ये ज़्यादा लग रहा है। टूटेगा शायद, ये कमलम हम लेके आए, यहाँ पे एक कमलम है, टेस्टी हो रहे। ये हमारी मूंगफली है। अभी रामदेव बोल रहा है कि ये सोने वाली है अभी। अब ये सो जाती है रात को, ये जो सारे पत्ते होते वो ऐसे इकट्ठे हो जाते और सो जाती है। जैसे हम दिन ढलता है वैसे ये सोती है, जैसे ही कल सुबह का सूरज निकलेगा ये वापस जगेगी और पूरा दिन काम करेगी खुद को ग्रो करने में। और रात को इसमें ज्यादा पत्ते ग्रो होते हैं। और 11 दिन की हुई है हमारी मूंगफली। अभी इस बार ये हुआ कि ये जो गेहूं का चारा था इसमें कचरा वो हमने ऐसे ही रखा है ताकि इसका खाद बने, तो थोड़ा सा लुक इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन बहुत जल्दी आने वाले 20 दिन में ये बहुत अच्छे से ग्रो होगी ऐसा विश्वास है मुझे। और ऑर्गेनिक में ऐसे ही होता है।
कि कितने किलो बी एक बीघे में डाले हैं, तो 36 किलो बी डाले हुए थे, जिसमें से 30-32 किलो उगे होंगे। तो यही होता है हर बार कि थोड़े से ज़्यादा डालने पड़ते, कुछ बीज फेल होते, नहीं उगते। ऑर्गेनिक में ज़्यादा होता है वो, तो फिर भी बहुत अच्छी है इस बार मूंगफली लास्ट ईयर के मुकाबले भी। और बारिश भी, अभी तो इसको बारिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूंगफली का जो स्टार्टिंग का टाइम होता है 20-25 दिन का, उसमें उसको बारिश ना मिले तो भी चलते आता है इसका काम। वैसे हमारे कुएं में पानी है, अगर इसके ऊपर स्प्रिंकल लगाने तो लगा सकते, लेकिन अभी तो ठीक है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहे। अभी इसमें ट्रैक्टर भी आज चल रहा था, अभी 3-4 दिन बाद और एक बार ट्रैक्टर चलाएंगे ताकि वीड जो है वो निकल जाए पूरा। और हमारे जो पार्टनर है वो काम भी कर रहे हैं वीड निकालने का हाथ से। अभी उस साइड में कर रहे हैं शायद, अभी चले गए हैं, अभी गए वहाँ पे कर रहा है अभी शायद एक। कर रहे हो यहाँ पे बच्चू, इसको पहले क्या कर रहे हो, गंदा कर रहे हो? हाँ। फिर वो कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? हम तुम्हारे ब्रिज पे इतनी गाड़ियाँ उल्टी क्यों पड़ी और यहाँ पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक क्यों है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लास्ट नाइट ना, क्या हुआ था लास्ट नाइट? एक स्टॉर्म आया था। स्टॉर्म? ये सैंड का, रेत का? हाँ। ओके, इसी की वजह से ऐसा हो गया? बहुत सारा टर्नेडो था। टर्नेडो? हाँ। बाहर भी होता है टर्नेडो? हाँ। ओके, लेकिन ये ब्रिज इतना स्ट्रॉन्ग था कि टर्नेडो को रुक पाया, लेकिन युग में सब गाड़ियां वेट कर रही हैं। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहाँ पे, एंडिंग कर दो प्लीज। And don't forget to subscribe, share and like, bye, and no cutting trees, and no pollution, remember that, okay? Okay. Bye. And wear a mask. Om Namah Shivaya. Perfect. Om Namah Shivaya. हाँ। अब continue करो तुम्हारा। हाँ।